नमस्कार, मैं मानसी राठौर, रतलाम हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर स्थित बनाए गए स्ट्रांग रूम की ओर जाने वाले मार्ग पर सील टूटी मिलने की वजह से कांग्रेस नेताओं ने किया हंगामा। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कांग्रेसी नेताओं को निरीक्षण करवाते मामला करवाया शांत। शुक्रवार की रात को रतलाम रेलवे स्टेशन पर इंदौर जयपुर यात्री गाड़ी के दो डिब्बे हुए बेपटरी। रतलाम इंदौर मार्ग अवरुद्ध होने से रतलाम से इंदौर जाने वाली यात्री गाड़ी को किया निरस्त। डीआरएम ने दिए जांच के आदेश। हर दिन के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीज, बीते 7 दिनों में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 11 पर। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से सावधानी रखने की जारी की अपील। कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर स्थित बनाए गए स्ट्रांग रूम की ओर जाने वाले मार्ग पर दरवाजे की सील टूटी मिलने के कारण कांग्रेसी नेताओं ने हंगामा कर दिया। नगरी निकाय का मतदान हुए आज 3 दिन हो गए हैं। 3 दिनों के पश्चात कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर स्थित बनाए गए स्ट्रांग रूम की ओर जाने वाले मार्ग पर सील टूटी मिलने के कारण कांग्रेसी नेताओं ने हंगामा कर दिया। कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि मतदान के पश्चात कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर की बिल्डिंग में ऊपर की ओर 3 कक्ष में रतलाम शहर के नगरीय निकाय चुनाव में मतदान करने के पश्चात वोटिंग मशीनों को सील कर रखा गया था। वहीं स्ट्रांग रूम की ओर जाने वाले मार्ग पर भी प्रशासन द्वारा सील लगाकर बंद किया गया था, लेकिन आज सुबह 11 बजे के करीब हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा कि स्ट्रांग रूम की ओर जाने वाले मार्ग के ताले खुले हैं एवं सील टूटी हुई है। जैसे ही उक्त बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ी तो आनन फानन में शहर के कांग्रेस नेता साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज की ओर पहुंचे और उन्होंने जिला प्रशासन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। वो जो दिशा निर्देश है उस हिसाब से व्यवस्था परिवर्तन, पहले 24 का बोल रहे हैं कि 24 टेबल लगेगी, फिर बाद में भाजपा के एजेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि साहब 49 लगनी चाहिए, तो साहब ने बोलते हैं 49 लगेगी। और उनकी अकेले का इंस्पेक्शन कोई मतगणना के लिए, अगर आप 49 भी रख रहे हो भैया हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमारे तो आप 490 भी रख दो तो 490 है, उसमें हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे दल के लोगों को जो प्रतिनिधि हैं उनको तो आप सूचित करो उस चीज़ को लेके कि भाई साहब आइए। एक दल के आप इतना मतलब सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं, उनको हार तो दिख गई है, हार तो हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी मतलब मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को, 151 के नाम पे गिरफ्तार कर लिया। हंगामे की जानकारी मिलने के पश्चात शहर SDM एवं स्टेशन रोड थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। वहां पर कांग्रेस नेताओं से उन्होंने चर्चा करते हुए सारी व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कही, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जब तक वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते तब तक हम बात नहीं करेंगे। कुछ देर पश्चात निर्वाचन आयोग द्वारा रतलाम जिले के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी पहुंचे और कांग्रेसी नेताओं से चर्चा करते हुए उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि आप हमारे साथ चले एवं स्ट्रांग रूम पर लगे सील को चेक कर लेते हैं। कितने कमरों में सील लगे पंडे? 3 कमरे में। चल लो देख लो, पर उसको अगर वहां तक जाने देख लो ना यार, देख लेते हैं खत्म बात। पर अगर उस प्रोसेस में आने का अगर रास्ता कोई हो, अरे आप वो 3 कमरे अपन लायबल है, ये तो ये इतना बड़ा है, कम से कम यहाँ पर 50 गेट हैं, तो 50 गेट से आ रहे हैं लोग तो आएंगे ना यार पे गेट पे तो, लेकिन ऊपर नहीं कोई जाएंगे। आपके 3 कमरे हैं सील के स्ट्रांग रूम के, 3 कमरे देख लेते अपन, कोई प्रॉब्लम। और अगर उन दरवाजे कुछ देर पश्चात भाजपा एवं कांग्रेस नेताओं को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी आए और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, देखिए जो कुछ है आपके सामने है, कितना लगाएगा आपसे भिन्न कुछ नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्री मैंगजाट जी के प्रतिनिधि पीयूष भावना जी ने कहीं इनको ऐसा लगा होगा कि सील बिल टूट गई है तो ये स्थिति उत्पन्न हुई। अभी खुद पीयूष भावना जी, मैंगजाट जी और उसके बाद में कांग्रेस के भी बीजेपी के भी प्रतिनिधि हमारे ऑब्जर्वर साहब भी हैं, उनके साथ में हमने देखा एज इट इज़ सील लगी हुई है, लेश मात्र भी किसी ने टच भी उसको नहीं किया है और
मौके पे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ बिल्कुल सीले सही हैं और सभी चीज़ सुरक्षित है। तो क्या है, मन में कोई भाव आए होंगे भावनात्मक रूप से, तो वो एकदम ताले टूटने के आरोप लगाए हैं कांग्रेस में। वो कौन से ताले टूटे हैं? कोई से ताले नहीं टूटे, इन्होंने देख लिए हैं। तो कोई सिर्फ एक गॉसिपिंग थी, एक झूठी टाइप की, जो उसका परिमार्जन हो गया है। और खुद जिन्होंने आरोप लगाए थे उन्होंने खुद देखा है और उनके साथ में उनके अभ्यर्थी भी थे, उन्होंने भी इस बात को संतुष्ट की है। पार्टी के भी उनके वरिष्ठ पदाधिकारी पानर सकलेजा जी थे, उन्होंने भी इस बात को संतुष्ट की। वहीं कांग्रेसी नेता पीयूष बाफना ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए सील टूटने के कारण शंका उत्पन्न होने की वजह बताते हुए कहा, बिल्कुल सील बन लगी हुई है बड़ा प्रॉपर, परंतु उस कमरों तक पहुंचने के दो चढ़ाव हैं। जो एक तरफ के जो चढ़ाव हैं उस तरफ जो ताले लगे हुए थे उन तालों पे सील लगी हुई थी, परंतु आज जब हमने देखा तो उन तालों पे सील नहीं थी और एक ताला खुला हुआ था, उसमें ऊपर चढ़ाव में जा सकता है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा जो ताला बिना सील का लगा हुआ है, अगर उस ताले को अगर कोई तोड़ दे तो आसानी से स्ट्रांग रूम तक पहुँच सकता है। कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर दोनों दलों के प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रूम तक का निरीक्षण करवाया तथा कांग्रेस की आपत्ति पर स्ट्रांग रूम तक पहुंचने से दूसरे रास्ते को भी सील करवाने के निर्देश दिए। शुक्रवार की रात को रतलाम रेलवे स्टेशन पर इंदौर जयपुर यात्री गाड़ी के दो डिब्बे बेपटरी हो गए थे। इसके चलते रतलाम इंदौर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। रेल प्रशासन को रतलाम से इंदौर जाने वाली यात्री गाड़ी को निरस्त करना पड़ा। शुक्रवार की रात को रतलाम रेलवे स्टेशन पर इंदौर जयपुर यात्री गाड़ी के दो डिब्बे पटरी हो गए थे। इसके चलते रतलाम इंदौर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। रेल प्रशासन को रतलाम से इंदौर जाने वाली यात्री गाड़ी को निरस्त करना पड़ा। इस कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई। रतलाम इंदौर मार्ग दोपहर तक प्रारंभ होने की संभावना रेल प्रशासन द्वारा व्यक्त की जा रही है। राहत एवं सुधार कार्य तेजी से चल रहा है ताकि और दोपहर तक पुनः सुचारू किया जा सके। याद रहे कि शुक्रवार की रात को प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर उदयपुर जाने के लिए उज्जैन के रास्ते रतलामाई इंदौर उदयपुर एक्सप्रेस के दो डिब्बे शटिंग के दौरान रोलबैक हो गए। इंदौर मार्ग स्थित भक्तन की बावड़ी तरफ बेपटरी हो गए थे। रेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन राहत व बचाव दल तथा रेलवे सुरक्षा बल तत्काल मौके पर पहुंचे और बेपटरी हुए डिब्बे को ट्रेन से अलग किया। करीब 11:30 बजे यात्री गाड़ी को रवाना किया गया। इंदौर उदयपुर जिस मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुए वह रतलाम इंदौर मार्ग है जो कि अवरुद्ध हो गया। रेल मार्ग को ठीक करने का कार्य द्रुत गति से किया जा रहा है ताकि रतलाम इंदौर का रेल आवागमन सुचारू हो सके। रेल प्रशासन ने दोपहर बाद तक मार्ग चालू होने की संभावना व्यक्त की है। रेल दुर्घटना की सूचना मिलने पर दिल्ली जा रहे मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता अपनी यात्रा बीच में अधूरी छोड़कर रात्रि 11:01 बजे मौके पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को अवरुद्ध शीघ्र मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बीती रात हुई रेल दुर्घटना के बाद रतलाम बड़नगर इंदौर रेल मार्ग अवरुद्ध है। रेल प्रशासन राहत कार्य कर रहा है। रेल सूत्रों ने बताया कि उक्त रेल दुर्घटना के कारण इंदौर जोधपुर ट्रेन को मार्ग परिवर्तित कर उज्जैन चलाया गया। इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्या 14802 फतेहाबाद उज्जैन नागदा होकर चलाई तथा रतलाम से चलने वाली गाड़ी संख्या 09390 रतलाम डॉक्टर अम्बेडकर नगर डेमू स्पेशल निरस्त की गयी। 16 जुलाई को चलने वाली गाड़ी संख्या 09541 42 डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर डॉक्टर अंबेडकर नगर डेमू, गाड़ी संख्या 09347 डॉक्टर अंबेडकर नगर रतलाम डेमू स्पेशल निरस्त की गई। इंदौर डॉक्टर अंबेडकर नगर डेमू क्रमांक 09390 निरस्त कर दी गई है। ट्रेन निरस्त होने से अनेकों रेल यात्री परेशान हुए। दोपहर के बाद रेल यातायात सामान्य होने की संभावना है। जितने भी पैसेंजर है सब गाड़ी पे चले जाइए, ब्रेक खाली कर दीजिए। चलिए भाई।
करते चलिए, कभी भी डेमो रतलाम जिले में अब प्रतिदिन कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों की रेंडम जांच में शुक्रवार को भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिली है। रतलाम जिले में अब प्रतिदिन कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों की रेंडम जांच में शुक्रवार को भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिली है। रतलाम के डूंगरीपाड़ा की 33 वर्षीय की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन मरीज सामने आए हैं। बीते 7 दिनों में 11 कोरोना पॉजिटिव मिलने से एक बार फिर रतलाम जिले में संक्रमण के बढ़ने का खतरा बन गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पॉजिटिव आए मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नहीं पाए गए हैं। पॉजिटिव आए मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर उपचार दिया जा रहा है। दरअसल रतलाम जिले में एक बार फिर कोरोना अपने पांव पसार रहा है। जिले में बाहर से आने जाने वालों, गर्भवती महिलाओं, सामान्य लक्षणों वाले स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों की रेंडम आरटीपीसीआर जांच की जा रही है। रतलाम में पिछले 5 दिनों से लगातार मरीज मिल रहे हैं। शुक्रवार देर शाम मेडिकल कॉलेज से जारी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बीते 7 दिनों में रतलाम जिले में एक्टिव कोरोना मरीज की संख्या 11 से अधिक पहुंच चुकी है। पॉजिटिव आए मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। अब बारी छोटे से ब्रेक की। माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में अपने घर का सपना करे साकार। जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के। मकान सभी साइज में उपलब्ध है, 10x40, 10x50, 15x50, 20x40, 30x50 और बंगले भी। इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9179970906, 8899468989, 8871618737, 8318644057, 7000456734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी कनेरी रोड न्यू झाबुआ टू लेन पुलिस लाइन के आगे रतलाम। कलर्स के टीवी शो डांस दीवाने जूनियर्स के फाइनल में रतलाम की बेटी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिसका रतलाम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। रतलाम से श्री गुरु तेग बहादुर एकेडमी की क्लास 3 की स्टूडेंट गीत बग्गा को कलर्स टीवी के शो डांस दीवाने जूनियर्स के फाइनल्स में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए रतलाम शहर के साथ स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। गीत बग्गा के रतलाम पहुंचने पर परिजनों के साथ शुभचिंतकों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर ढोल धमाकों के साथ भव्य अगवानी करते हुए स्वागत किया गया। साथ ही गीत बग्गा को स्टेशन रैली के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अपने घर पहुंची गीत बग्गा का मार्ग में जगह जगह स्वागत किया गया। सहज योग साधकों द्वारा राष्ट्रीय श्री आदि गुरु पूजा महोत्सव 15 से 17 जुलाई तक रतलाम में धूमधाम से मनाया जाएगा। सहयोग साधकों द्वारा राष्ट्रीय श्री आदि गुरु पूजा महोत्सव 15 से 17 जुलाई तक रतलाम में धूमधाम से मनाया जाएगा। संपूर्ण भारतवर्ष से हजारों की संख्या में साधक रतलाम पधार रहे हैं। मुख्य आयोजन विधायक सभागृह बड़बड़ में संपन्न होगा। आयोजन के दौरान हवन पूजा सेमिनार सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजन आदि कार्यक्रम प्रस्तावित है। परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी जी के बड़बड़ स्थित सहजयोग ध्यान केंद्र पर आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में रतलाम मंदसौर नीमच इंदौर उज्जैन आदि स्थानों के साधक साधिकाएं निरंतर जुटे हुए हैं। प्रदेश की पावन भूमि में आपके जन्म स्थान में आपने जन्म लिया, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री माली ब्राह्मण समाज मठ पर उपस्थित दंडी स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती जी का श्रद्धालु एवं गुरु भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री माली ब्राह्मण समाज मठ पर उपस्थित दंडी स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी का श्रद्धालु एवं गुरु भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त किया।
श्री माली ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष प्रकाश व्यास राजेश तिवारी इपका ने स्वामी जी का शाल श्रीफल एवं पुष्पहार से स्वागत किया एवं सम्मान किया। इस अवसर पर पंडित ब्रजभूषण पांड्या, लक्ष्मण पाठक, बैंक सुभाष दवे सहित धर्मालु जन उपस्थित रहे। ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर ब्रह्मलीन गुरु प्रहलाद गिरी के स्मरण के साथ पूजा अर्चना के साथ सभी धर्म प्रेमी जनता ने शिवजी का जल अभिषेक किया तथा आरती कर धर्म लाभ लिया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिव आरती का सभी ने स्मरण किया। तत्पश्चात करीब 500 श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर समाज सेवी प्रकाश चंद्र व्यास ट्रस्टी, मिश्री लाल सोलंकी, शंकर लाल मालवीय, लक्ष्मण पाठक, प्रदीप ओझा, प्रदीप जैन, सुनील राठौड़, महिला पुरुष भक्त जन उपस्थित रहे। बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर स्थित बनाए गए स्ट्रांग रूम की ओर जाने वाले मार्ग पर सील टूटी मिलने की वजह से कांग्रेस नेताओं ने किया हंगामा। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कांग्रेसी नेताओं को निरीक्षण करवाते मामला करवाया शांत। शुक्रवार की रात को रतलाम रेलवे स्टेशन पर इंदौर जयपुर यात्री गाड़ी के दो डिब्बे हुए बेपटरी। रतलाम इंदौर मार्ग अवरुद्ध होने से रतलाम से इंदौर जाने वाली यात्री गाड़ी को किया निरस्त। डीआरएम ने दिए जांच के आदेश। हर दिन के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीज, बीते 7 दिनों में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 11 पर। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से सावधानी रखने की जारी की अपील।